हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कापैक्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज हैं हम अपनी सैलरियों में एंड आज हम करने वाले हैं इस कार का माइलेज टेस्ट। जैसे मारुति तो क्लेम करता है कि यार ये कार इनकी बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी कार है एंड इसमें आपको बेस्ट माइलेज मिलती है, तो आज हम देखेंगे कि मारुति का जो ये क्लेम है कितना हद तक सही है। सो अभी हम चलते हैं और इसका आज हम टैंक टू टैंक टेस्ट करने वाले हैं। तो जो लोग बोलते हैं यार कि सही माइलेज बताओ, सही जेन्युइन माइलेज बताओ, तो टैंक टू टैंक माइलेज चेक करेंगे और MID से भी कंपेयर करके दिखाएंगे कि कितना डिफरेंस आता है इसकी MID और टैंक टू टैंक माइलेज में। तो सबसे पहले चलते हैं पेट्रोल टैंक रिफिल कराते हैं एंड देन फिर इसका टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सो कराते हैं इसका टैंक रिफिल। ऑटो कट पे कर दो। सो गाइस, जैसे आप देख रहे हो इसको रीसेट मैंने कर दिया है एंड ट्रिप अब जीरो कर दिए एंड अब देखते हैं कि ये कार हमारे को क्या एवरेज निकाल के देती है। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट एंड फाइनल में आपको मैं दिखाऊंगा कि इस कार में क्या एवरेज आई है, क्या MID शो कर रहा है और क्या इसकी एक्चुअल टैंक टू टैंक माइलेज आई है। सो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यार हम ना बिल्कुल इसको अभी बेस्ट जो एवरेज निकाल सकते हैं उस वे में ड्राइव करेंगे, ज़्यादा रैश ड्राइव नहीं करेंगे। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा साथ में साथ हम किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं कार को और हम कितनी माइलेज गेन कर पा रहे हैं इस कार से। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट एंड देखते हैं कि क्या माइलेज निकाल के देती है ये हमारी कार। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे कि इस कार की क्या माइलेज निकाल के देती है हमारे को कार। अराउंड 100 किलोमीटर का मेरा रास्ता है, ट्रैवल है जितना मुझे जाना है एंड उसमें हाईवेज भी आएगा प्लस दिल्ली में हम एंटर करेंगे तो दिल्ली का ट्रैफिक भी आएगा एंड फाइनली हम देखेंगे कि ये कार से हम कितनी माइलेज निकाल पा रहे हैं। मैं आपको पहले बताऊँ यार, अभी मैं इसको इस तरह से ड्राइव कर रहा हूँ ताकि मैं इससे एक बेस्ट माइलेज निकाल पाऊँ। मैं ज़्यादा कार को एक्सेलरेट नहीं कर रहा, मैं ट्राई करूंगा कि कार को बिटवीन 80-90 की स्पीड मेंटेन करके चलूं और उस पर ही देखेंगे कि कितनी हम एवरेज निकाल पा रहे हैं इस कार से। वैसे यार जैसे मारुति क्लेम करती है एंड जैसे मारुति की और कार्स में भी देखा गया है कि जो माइलेज होती है वो इनका बेस्ट पार्ट रहता है, बेस्ट USP रहती है मारुति की माइलेज, तो वैसा ही इस कार का है। वैसे तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस कार के साथ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरेज ये अच्छा निकाल के देती है एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे इस ट्रिप में भी ये एक अच्छा माइलेज निकाल के देगी। बाकी फाइनल माइलेज क्या होता है वो तो मैं आपसे शेयर करूँगा ही करूँगा, बट मेरी एक्सपेक्टेशन यही है। यार ये थोड़ा ज़्यादा शेक हो रहा है वीडियो, उसके लिए रियली सॉरी, मेरा माउंट ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या मुझसे फाइनल माइलेज मैं इससे निकाल पा रहा हूँ। वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये मुझे एक अच्छा माइलेज निकाल के देगी। तो और आपको मैं बताऊँ यार, जैसे कोई भी कार हो आप डिपेंड करता है माइलेज का काफ़ी हद तक कि आप किस तरीके से कार ड्राइव कर रहे हो। अगर आप कार को थोड़ा रैश ड्राइव करोगे, एक्सलेट ज़्यादा करोगे, ब्रेकिंग ज़्यादा यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपकी वो माइलेज कार आपको कम ही देगी। तो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है माइलेज निकालना आपके ड्राइविंग स्टाइल पे कि आप किस तरीके से कार चला रहे हो। बाकी अगर आप ज़्यादा कार को एक्सलेट नहीं करते, एक डिसेंट स्पीड मेंटेन करके चलाते हो कार में और गियर का करेक्ट यूज़ करते हो, गियर शिफ्टिंग सही करते हो, तो आपको एक अच्छी माइलेज मिल सकती है किसी भी कार से। जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया कि जब मैं को पंच से जो भी मैं को अगर मैं सिटी की बात करूँ तो पंच मेरे को सिटी में बिटवीन 13-15 के बीच में माइलेज देती है, डिपेंड ऑन द ट्रैफिक कंडीशन, और हाईवे में मेरे को हमेशा ईजिली वो कार 19-20 के बीच में माइलेज दे देती है हाईवे पे। सो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, बिकॉज मैं ज़्यादा इतना रैश ड्राइव नहीं करता हूँ, कार को ज़्यादा एक्सलेट नहीं करता हूँ, एक डिसेंट स्पीड पे मेंटेन करके ही कार ड्राइव चलाता हूँ मैं। तो उस हिसाब से अगर मैं चलाता हूँ तो मेरे को कार्स पंच भी एक अच्छा माइलेज दे देती है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सैलरियो से भी आज हमें एक अच्छा माइलेज निकल के आएगा। बाकी अभी देखते हैं, जैसे जैसे मैं इस कार को आपको अपडेट देता रहूँगा, जैसे जैसे चलाऊँगा कि मुझे कितने किलोमीटर्स पे कितनी माइलेज ये कार निकाल के दे रही है, तो वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। बाकी ओवरऑल अगर आप में से कोई भी सैलरियो यूज़ कर रहा है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कितनी माइलेज
निकाल पा रहे हैं इस कार से, बिकॉज माइलेज के मामले में तो यार नो डाउट मारुति की कार्स हमेशा से बढ़िया रही है एंड मारुति की मेन यूएसपी ही माइलेज रहा है। तो आई होप कि आप में से सब लोगों को जो भी ये कार यूज़ कर रहे हो एक अच्छी माइलेज मिल रही होगी। बट जो लोग नए हैं और जो लोग एक कार लेना चाहते हैं और जिनका कंसर्न है माइलेज, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि फाइनल माइलेज क्या निकलती है इस कार से, यही देखने के लिए। तो यार अभी तक मैं 57-58 किलोमीटर चला चुका हूँ इस कार को, और अभी जो करंट मुझे एवरेज शो कर रहा है यहाँ पे वो कर रहा है 28.5 की, एंड ये एवरेज बढ़ती ही जा रही है, लाइक अभी तक तो बढ़ी रही है। एंड अभी जो मैं इसको मेंटेन करके चला रहा हूँ, यार नॉर्मली मैं इसको 80 की स्पीड मेंटेन करके चला रहा हूँ, 80-90 के बीच में, एंड अभी तक मुझे इतनी माइलेज मिल रही है। फाइनल माइलेज देखते हैं कि क्या निकाल के देती है मुझे, अभी तक तो फिलहाल मुझे 28.5 की माइलेज ये शो कर रही है। सो अगर कोई गेस कर पा रहा है कि क्या फाइनल एवरेज मिलेगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, अदरवाइज अभी तक तो देखो इतनी मिल रही है, अब चल के देखते हैं कि एंड में क्या माइलेज निकल के आती है। अच्छा तो गाइस मुझे एक बात बताओ यार, अगर जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मुझे एक बात बताइए कि आप जब कोई गाड़ी प्लान कर रहे होते हैं लेने का, तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहती है, माइलेज, सेफ्टी, मतलब लाइक आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस या कार की सेफ्टी, और क्या आपको लगता है कि कोई मार्केट में ऐसी कार है जो आपको एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों से एक बढ़िया ऑप्शन दे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। सो गाइस फाइनली हमने दिल्ली में एंटर कर लिया है, एंड अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 76.8 किलोमीटर चल चुकी है कार, एंड एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो अभी 29.2 की एवरेज मुझे शो कर रहा है। सो अब देखते हैं फाइनली दिल्ली एंटर करने के बाद ट्रैफिक में एवरेज कितनी और डाउन होती है एंड फाइनल एवरेज क्या निकलती है इस कार से। सो मिलता हूँ मैं आपसे, अब सीधे फाइनल एवरेज शो करता हूँ मैं आपको कि फाइनल एवरेज मुझे क्या आई है। सो फाइनली गाइज मेरी ट्रिप कंप्लीट हुई, अब मैं जल्दी से उसको रिफ्यूल कराता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या फाइनल एवरेज निकली है अभी तक। ठीक है, ऑटो कट पे छोड़ देना। सो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसको कितना किलोमीटर ड्राइव किया है। हमने इसको ड्राइव किया है 101.5 किलोमीटर, 101 किलोमीटर समथिंग हमने इसको ड्राइव किया है, और जो MID में हमें माइलेज शो कर रहा है वो कर रहा है 26.3 की। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें रियल टैंक टू टैंक क्या माइलेज आई है। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया हमने इसको ड्राइव किया था 101 किलोमीटर, और हमने जो हमारा रिफिल हुआ है वो हुआ है 4.5 लीटर, तो जो एवरेज निकल के आ रही है टैंक टू टैंक वो निकल रही के आ रही है 22.4 किलोमीटर, और जबकि हमें MID में दिखा रहा है 26.3 किलोमीटर। सो अराउंड 3-4 किलोमीटर का माइलेज में वेरिएंस आ रहा है MID और रियल टैंक टू टैंक के, जो कि एक्सेप्टेबल है, हो सकता है अलग अलग कार्स में अलग अलग डिफरेंस है, बट 22.4 किलोमीटर 101 किलोमीटर चलाने के बाद माइलेज आई है, एंड ये माइलेज और इंक्रीज हो सकती थी बिकॉज जब मैंने दिल्ली एंटर किया था तब मेरी एवरेज शो कर रहा था MID में 29, पर अगर मैं 4 किलोमीटर का डिफरेंस लेके चलूं तो उस समय मेरे को जो एवरेज दे रहा था वो दे रहा था अराउंड 25 के आसपास, और सिटी में आने के बाद थोड़ी माइलेज ड्रॉप हो गई बिकॉज ट्रैफिक की वजह से। तो ऑलमोस्ट देखा जाए ये आप अगर सिर्फ हाईवे कैलकुलेट करो तो ये कार आपको ईजिली 26-27 दे सकती है, बिकॉज वो अगर मैं इसको और ज़्यादा रन करता तो वो माइलेज डेफिनेटली और ज़्यादा बढ़ती, बिकॉज कंटिन्यूसली माइलेज बढ़ती ही भी आ रही थी जैसे जैसे उसको मैं चला रहा था, तो अगर मैं इसको और ज़्यादा रन करता तो डेफिनेटली माइलेज बढ़ती। तो अभी तक मैं जो अपना कंक्लूजन बताऊं तो यही है कि अगर आप इसको हाईवे पे चला रहे हो और सिर्फ हाईवे की माइलेज अगर मैं कंसिडर करूं तो ये कार आपको ईजिली 25 प्लस की माइलेज दे देगी, और सिटी में मैं आपको पहले इसका माइलेज टेस्ट कर चुका हूं। सो अगर आपको सिटी में फिर से एक माइलेज टेस्ट चाहते हो करना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको सिटी में दोबारा से इसका एक माइलेज टेस्ट करके दिखाऊंगा विद हाई ट्रैफिक कंडीशन, जिसमें हमारे को ज़्यादा ट्रैफिक कंडीशन में कितनी माइलेज दे रही है। तो ये तो रही इसके हाईवे की माइलेज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।